हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। सो आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टीजीटी मैथ्स के पेपर में हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। चाहे वो दिल्ली में होने वाले डी ट्रिपल बी एग्जाम्स के बारे में बात हो, चाहे यूपी में टीजीटी एग्जाम्स यानी किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये पोर्शन काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सो कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने से पहले इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, बेसिक सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर करेंगे। मैं आपको बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पोर्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एग्जाम्स में 2 से 3 के क्वेश्चन आने हैं पक्का, डी ट्रिपल बी एग्जाम में और यूपी टीजीटी में 4 क्वेश्चन आने हैं। सो कॉन्सेप्ट आप सुनिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहले मैं ज्यादा डीप बातें नहीं की है, क्योंकि हम इतने बड़े लेवल पे जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना थोड़ा बेसिक हमें पता होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसी टाइप्स में क्वेश्चंस कराने वाला, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी 2 या 4 मिनट का रिवीजन हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax2 + bx + c, मींस वेयर एबीसी कॉन्स्टेंट है, एक्स मेरे पास वेरिएबल है। एक वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, मींस डिग्री कितनी हो 2 हो, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये देखी है, जिन्हें हम बहुत अच्छे से सॉल्व करते थे फैक्टराइजेशन मेथड, मल्टीप्लाई करते थे 2 2 = 4, 2 और 4 = 6, ऐसे करके करते थे ना क्वेश्चन, उसी बोलते थे फैक्टराइजेशन मेथड। मैं आपको बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है हमारे पास। एक तो हमने जो सीखा 7th 8th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, 10th में एक और सीखा था हमने क्या, परफेक्ट स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, धराचार्य फॉर्मूला जिसे हम बोलते थे। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्लियर हो गया। कोई भी आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म पूछता है तो आप बता देंगे ax2 + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। बात करते हैं, ये मैं क्वेश्चन, ये 2 पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि सैम्पल पेपर में थे ऐसे क्वेश्चन। ऑप्शन था, बताओ कौन सी ऐसी है जो इरेशनल इक्वेशन है, इरेशनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए कि इरेशनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। सो ये पॉइंट याद रखना है, रूट में जो भी हमारे पास वेरिएबल मतलब एक्स हो या वाई हो या जो भी टी या जेड, रूट वाले फॉर्म में होगा। तो इस केस में हमारे पास ऐसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, मैंने जनरल एक एग्जांपल लिख लिया, ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है इरेशनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, थर्ड, होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होमोजीनियस किसे बोलते हैं, जहां पर मेरे पास दोनों ही वेरिएबल की डिग्री क्या हो, इक्वल हो। वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकता है, एक्स टी हो सकता है, वाई टी हो सकता है, यानी कि इक्वेशन में जो जो प्रेजेंट है, इक्वेशन में एक्स और वाई है, सो दोनों जगह डिग्री सेम है क्या, हर टर्म्स में। पहले वाली टर्म्स में डिग्री कितनी है 2, यहाँ पर एक्स की 1 वाई की 1, डिग्री की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक्स वाई को सेपरेटली नहीं देखूंगा, टोटल टर्म्स में देखूंगा। तो इस टर्म्स में डिग्री कितनी है 2 है, ऐड कर लेंगे, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर देखो 2 2 डिग्री है। ऐसे भी बोल सकते हैं एक और इक्वेशन x2 y2, यानी कि x पर भी 2 डिग्री है, y पर भी, दोनों वेरिएबल यानी कि दोनों ही हमारे पास जो टर्म्स हैं एक्सप्रेशन है, यहाँ पर डिग्री सेम है, तो होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्हें ही बोलते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ। जितनी पावर उतने उसके जीरोस या रूट बोल सकते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x की वैल्यू 2 आती है, जैसे पावर 2 है तो 2 आएंगी, 3 क्यूबिकल इक्वेशन होते 3 आंसर आते, बाय क्वाड्रेटिक 4 होते तो 4 आते, यहाँ पर 2 है तो 2 आने वाले हैं। सो दो जो हमारे आंसर आते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, लेट कर लेते हैं अल्फा और बीटा है, क्या है अल्फा और बीटा, दो आंसर आते नहीं आते यस और नो, तो उन्हें मैंने अल्फा और बीटा मान लिया। जनरली मैंने सभी इक्वेशन के अलग अलग आंसर आते हैं, लेकिन सभी के लिए मैंने अल्फा बीटा मान लिया जो कि हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका सम निकालना है बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। हम सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टराइज करते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, किसी भी मेथड से। सो सॉल्व करने का इसका मतलब एडिशन फाइंड करने का, जीरोस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है माइनस का बी अपॉन ए, हिंदी में हमने ऐसे पढ़ा है माइनस बी को बोलते हैं एक्स का गुणांक यानी कॉफिशियंट ऑफ एक्स, ए को बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए का गुणांक, और ये माइनस में होता है। ऐसे ही बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, जो हमारे जीरोस आएंगे दोनों के प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई की, यानी हिंदी में ऐसे कुछ बोलते होंगे ए अल्फा इंटू बीटा, सो सी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है सी अपॉन ए, मूल बोलते हैं मूल हिंदी, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल, याद आ गया। सो सी अपॉन ए हमारे पास क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। सी कहाँ से आएगा मेरे पास, कॉन्स्टेंट टर्म्स, ए क्या आएगी कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो क्लियर है, इसका मैं भी यूज करके दिखाऊंगा तब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे पास किसी केस में ऐसा हो जाए कि मुझे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिल जाए और पूछ ले बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करना, आपको बहुत ज्यादा यूजफुल है, काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। एक बात कंडीशन लिए नोट कर लेना, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में पक्का श्योरली फॉर्मूला आएगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यहाँ पर रखेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो
इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आपको अप्लाई करनी है। आई कहाँ से इजी, आपको सबको पता होगा, पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करा। नहीं भी पता हो तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेट क्या होता है। जब मेरे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं करना, मुझे सबसे सॉफ्ट तरीका चाहिए। ये ए होता है एक्स स्क्वायर की मल्टीपल, एक्स का मल्टीपल बी होता है, कॉन्स्टेंट सी होता है, ए बी सी तीनों हो गए। ये मेरे पास ए है, ये बी है और ये सी है। सो सबसे पहले मैं इसका डिस्क्रिमिनेट फाइंड कर लेता हूँ, जिसका फॉर्मूला डी इक्वल में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए बी सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, डी मेरे पास आ जाएगा। डी कैसा आ सकता है आप बताओ? तीन तरीके का आ सकता है, या तो प्लस में आ सकता है आंसर, या जीरो, या माइनस में, और किसी तरीके से तो आने से रहा। जीरो से बड़ा आएगा, जीरो से छोटा आएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो से बड़ा प्लस का, जीरो से बड़ा आएगा तो पॉजिटिव। ध्यान रखना इस केस को, पॉजिटिव वाला आता है इस केस में। सो पॉजिटिव जब भी मेरे पास डी की वैल्यू आएगी, तब मैं समझ जाऊंगा जो मेरे इसके जीरो आने वाले आंसर आने वाले वो रियल आएंगे और डिस्टिंक्स आएंगे। दो आंसर आने वाले दोनों डिफरेंट आएंगे, दोनों रियल नंबर होंगे। अगर मेरा डी की वैल्यू जीरो ही आ जाती है सॉल्व करने पर, तो ध्यान रखना है उस केस में दोनों ही रूट मेरे पास इक्वल आएंगे, यानी सेम सेम रूट आने वाले हैं। एक्स की वैल्यू थ्री, एक्स की वैल्यू थ्री, दोनों ही वैल्यू सेम सेम आने वाली है इस केस में, जब डी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसे चेक कर लेते हैं इंस्टेंटली। अगर मेरे पास डी की वैल्यू लेस आ जाए जीरो से, मीन्स नेगेटिव आ जाए, डी जब मैं फाइंड करूंगा, मैं अभी आपको फाइंड भी करके दिखाऊंगा, सभी के ऊपर क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट वाले नहीं, एग्जाम में जो पूछे गए सैंपल पेपर से, लास्ट ईयर पेपर से, कलेक्शन से, अच्छे से मैंने कलेक्शन कलेक्ट किए हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो टॉप होंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो माइनस में है मेरे पास, माइनस में तो ध्यान रखना रूट कैसे होंगे, इक्वल नहीं आएंगे, नॉट रियल, सॉरी रियल नहीं आएंगे। रियल नहीं आएंगे तो इमेजिनरी आएंगे, यस इमेजिनरी आएंगे। अब देखते कैसे आएंगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यह है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसके नाम भी दो दो तीन तीन है, डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, श्री धराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस, रूट के अंदर होता है ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो मैंने डी लिख दिया, अपॉन में टू है। इसे भी अप्लाई करके दिखाएंगे, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो ये डिस्कस करते हैं सभी कॉन्सेप्ट को वन बाय वन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो इस कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डिस्कस करते हैं। सो आइए गाइस, अब डिस्कस करते हैं सभी क्वेश्चंस को। मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको बताऊं तो थोड़े क्वेश्चंस और हैं, लेकिन आज टॉप 10 डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, पार्ट 2 वीडियो में टॉप 10 और डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूजफुल है, इसलिए मैंने 20 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं, मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के सर हिंदी में भी करा था, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को हिंदी में रीड कर देता हूं, इंग्लिश में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, वह समीकरण जिसके मूल 1/2 और 1/3 है, मतलब मूल मतलब अल्फा 1/2 है और बीटा कितना है 1/3, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके मेरे पास जीरोस क्या है 1/2 और 1/3 है। सो फाइंड करना है कि इन सभी इक्वेशंस में से इक्वेशन कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी क्या है मेरे पास, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैं इन चारों ऑप्शंस में आपको ऑप्शंस बताता हूँ, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और साथ में इसकी थोड़ी लेंथी एक्सप्लेनेशन भी बता देते हैं कि वो कैसे आने वाला है, क्योंकि ना थोड़ा सा मतलब पहला क्वेश्चन है तो मैं इसलिए ज्यादा डायरेक्ट करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। वैसे ट्रिक सुनना है, ट्रिक सुन लीजिएगा, कभी भी मेरे पास अपॉन में जीरोस आ जाए तो 2, 3, 6 ये मेरे पास एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होता है। तो चार ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 6 कौन सा है। सो ऑप्शन सी में है तो सी मेरा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन मैं करके भी बता दूं तो कैसे मेरे पास पूरी इक्वेशन क्या आने वाली है। ये अल्फा और बीटा है, सम ऑफ जीरो क्या आएगा, सम ऑफ जीरो मतलब सम करना होता है, 1/2 और 1/3 का सम करना, तो हमें आता ही है कितना आएगा 5/6 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा, 1 1 जा 1 3 2 जा 6 यही तो आएगा। मैंने बताया था अभी यहाँ पर एक रूल लिखवाया था, रूल्स आपने देखे होंगे, जहां पर सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरे पास होंगे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी होगी। क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो 5/6 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5, 6x² - 5x + 1 = 0। सो चेक करिए सी ऑप्शन ये है या नहीं है, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आपको बता दूं, समीकरण मींस इक्वेशन गिवन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस एम, ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है इज इक्वल टू जीरो। उन्होंने बोला गया क्वेश्चन में के मूल एक का अंतर है, इनके मूलों में कितने का अंतर है, एक का अंतर है, मींस अगर मेरे पास एक वन होगा तो दूसरा टू होगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने का है, वन का है। सो मैं मान लेता हूं पहला मैं अल्फा मान लेता हूं, पहला मूल मेरे पास अल्फा है, लेकिन सेकंड क्या होगा,
फर्स्ट तो मान ली, चलो मेरे पास फर्स्ट क्या था, अल्फा आ गया। सेकंड जो हमारे पास बीटा होता है वो क्या आएगा, अंतर एक का है तो मतलब अल्फा प्लस वन ले ले, दोनों में अंतर कितने है, वन का अंतर है, इसमें वन ऐड कर देंगे ये आ जाएगा, ये इसमें से ये माइनस कर देंगे ये आ जाएगा, ये तो ठीक है। मैं से टू लूंगा तो वन ऐड कर थ्री तो लेना पड़ेगा, जब भी तो अंतर मेरे पास वन का है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, मुझे चेक करना है चारों ऑप्शन है मेरे पास, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन आपको ए बी सी डी चारों दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सी कंडीशन ये फुलफिल करने वाला है। सर सबसे पहले क्या करते हैं, मूलों का योगफल मीन सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरो मतलब दोनों जीरोस का सम करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए। सो बी कितना है, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक्स का मल्टीपल होता है ए, वन है हमारे पास, जैसे कि हम इक्वेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बी कितना है माइनस एल और सी कितना है एम, ठीक है। सो माइनस बी अपॉन ए, सो मेरे पास एल आएगा, एल्फा और एल्फा टू एल्फा, प्लस का वन इधर आकर माइनस का वन, एल्फा की वैल्यू आ गई एल माइनस वन अपॉन में टू, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि दोनों जीरो का प्रोडक्ट कर देते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्या होता है फॉर्मूला, सी अपॉन ए, सी कितना है एम, यानी कि एम है मेरे पास, ठीक है। एल्फा की वैल्यू क्या है, ये वाली, यहाँ पुट करते हैं एल्फा की वैल्यू, एल माइनस वन अपॉन टू, ठीक है, एल माइनस वन अपॉन टू प्लस वन इक्वल टू एम। सॉल्व करें, एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा, एल माइनस वन अपॉन टू, सेम यहाँ टू आएगा, टू में से वन माइनस करेंगे एल प्लस वन अपॉन टू आ जाएगा, ठीक है। एक पर प्लस एक बार माइनस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू टू या फोर डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। सो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस है मेरे पास, एल स्क्वायर माइनस वन इधर आगे प्लस का हो जाएगा, सो एल स्क्वायर इक्वल में फोर एम प्लस वन, यानी कि ये मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, एल स्क्वायर इक्वल में फोर एम प्लस वन। काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए डिस्कस किया है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, जो कि वो भी थोड़ा सा अच्छा है, मीन्स इनके जीरोस को लेकर जो कॉन्सेप्ट है काफी बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है, एक इक्वेशन है हमारे पास, वही जो हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसके बारे में बेसिक हमें सबको सब पता है, अल्फा बीटा इसके जीरोस होते हैं, सम ऑफ जीरो माइनस का बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए। सो उन्होंने बोला है एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, मींस फर्स्ट जो जीरोस है वो सेकंड क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है बिल्कुल। सो फर्स्ट को मैं क्या मान लूं, फिर वही वाला केस, फर्स्ट मेरे पास क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, सेकंड क्या मान लेंगे, उसका उल्टा है, तो अभी बताया था मैंने, उल्टा मतलब ये यही तो होएगा। हाँ, तो उन्होंने बोला है कि बताओ कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, ए इक्वल बी आएगा, बी ऑप्शन क्या है, बी इक्वल सी आएगा, सी ऑप्शन क्या है, ए इक्वल सी आएगा, और डी ऑप्शन क्या है, ए इक्वल माइनस सी आएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कभी भी अपॉन वाला केस देखें और रेसिप्रोकल वाला, तो ध्यान रखना सबसे पहले आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे, दोनों जीरो का प्रोडक्ट क्या होता है फॉर्मूला, सी अपॉन ए, अल्फा से अल्फा कैंसिल, वन इक्वल में सी अपॉन ए, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, सी, ऑप्शन सी करेक्ट है, ए इक्वल सी। होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, वो भी काफी इजी है और अच्छा भी है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन नंबर फोर में गिवन है वर्ग समीकरण, वही हमारे पास, यानी कि स्क्वायर हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है। मूलों के व्युत्क्रमों का गुणनफल किसके बराबर है, मींस मूल है क्या होते हैं हमारे पास, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा। उन्होंने पूछा क्या है, पहले वो देखते हैं, उनके व्युत्क्रमों का गुणनफल, मींस दे आर आस्किंग व्युत्क्रमों का गुणनफल, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिप्रोकल, क्या आने वाला रिजल्ट हमारे पास। कोई बात नहीं, हमें ये तो निकालना आता है, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का बी अपॉन ए, बी कितना है वन, सॉरी सी अपॉन ए, सी कितना है वन अपॉन टू, ये आ गया अल्फा बीटा, हमें फाइंड क्या करना है, वन अपॉन अल्फा बीटा, तो इसका वन अपॉन अल्फा बीटा करेंगे तो हमारे पास उल्टा हो जाएगा, वन अपॉन अल्फा बीटा करेंगे सो सिर्फ टू होगा, और ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, पहला ऑप्शन क्या है, वन होगा, बी ऑप्शन है टू, थ्री, सी ऑप्शन है फोर्थ, और डी ऑप्शन है थ्री, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, वन अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू टू होगी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, सो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है हमारे पास। उन्होंने बोला है समीकरण हमारे पास गिवन है, मींस हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास जनरल फॉर्म गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। उन्होंने बोला है समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के मूल बराबर है, मींस जीरोस क्या है, दोनों जीरोस आपस में इक्वल है। सो पहला जीरोस भी हमारे पास अल्फा है, फर्स्ट वाला भी क्या है अल्फा है, और सेकंड वाले को भी क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, दोनों सेम है, इक्वल है।
देन मेरे पास, लेकिन उन्होंने बोला है उनकी जो बट दे हैव डिफरेंट साइन, उनके पास परंतु एक दूसरे से विपरीत होंगे, यानी कि एक प्लस का तो दूसरा माइनस का होगा, ध्यान रखना है आपको साइन क्या है, इनके अपोजिट है, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का है। क्वेश्चन में बोला है जबकि, यानी कि इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए इक्वल बी, बी ऑप्शन क्या है, ए इक्वल माइनस बी, सी ऑप्शन क्या है, सी इक्वल ए, और डी ऑप्शन क्या है, बी इज इक्वल टू जीरो। तो चेक करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, क्या मुझे पहले बात तो अपोजिट साइन गिवन है, तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों ही फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरो जब मैं करूंगा दोनों का, यानी कि फर्स्ट का सम सेकंड का सम, ये तो करूंगा माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, फर्स्ट वाला जीरो क्या है प्लस अल्फा, सेकंड वाला माइनस अल्फा, बी अपॉन ए सेम, माइनस से प्लस कैंसिल, जीरो इक्वल में बी अपॉन ए, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, सो बी इक्वल में जीरो। ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे पास, यस ऑप्शन डी करेक्ट है, बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरो से कभी आप सोचे सर प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्यों नहीं करा, उससे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, सी अपॉन ए, ये हमारे पास अल्फा ही रहेगा, तो अल्फा में कोई ऐसा हमारे पास रिजल्ट आएगा नहीं, इसीलिए हमने किससे करा, सम ऑफ जीरो से हमारा आंसर आएगा, तो यही हमारा करेक्ट है, ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन आपको डिस्प्ले हो रही है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, मैं यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। उन्होंने बोला गया जिसके जीरो से अल्फा और बीटा है, वो तो हमें पता है नॉर्मली हमने लेट कर लिए थे, सम ऑफ जीरो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस माइनस प्लस सेवन आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आएगा सी अपॉन ए, ए हमारे पास वन है तो मेंशन नहीं कर रहे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा आ गया। तो उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। पहला ऑप्शन हमारे पास 19, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है हमारे पास 24। सो क्या आंसर आने वाला है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मुझे निकालना है। ये क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं, बहुत बहुत डिफरेंट टाइप की कंडीशन में रिपीट होते हैं, क्यूब हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, बहुत सारी कंडीशन इसके साथ, ध्यान रखना जिन्होंने पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट उन्हें पता होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो कैसे होने वाला है, इससे पहले मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनती है, कोई भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन उसमें वही 2ab ऐड करेंगे और 2ab माइनस कर लेंगे। सो आप देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका, अल्फा प्लस बीटा का, यस और नो, ये मेरे पास सेम रहेगा। अब मैं इनकी वैल्यू रख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12, 7 का स्क्वायर 49, 12 टू 24 माइनस करेंगे 25, मींस कौन सा ऑप्शन ये फाइंड करना था, ऑप्शन मेरे पास सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स का, क्लियर है ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, नेक्स्ट वीडियोस में आपके डाउट को जरूर डिस्कस कर लेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आ रहे थे वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, जैसे कि हमें मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम सभी टॉपिक्स के आपके टॉप क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लें। सो क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेवन में बोला एक इक्वेशन है, ठीक है, जिसका फर्स्ट जीरो, यानी कि जिसका एक मूल, एक मूल मतलब मैं अल्फा मान लेता हूँ, कितना है 3 + √3, उन्होंने बोला है तो बताओ इक्वेशन क्या होने वाली है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक ही मूल दिया है ये और पूछ लिया बताओ क्या आया था, इसका जो दूसरा मूल होगा वो क्या होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप सुनना है। कभी भी ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिल जाए ऐसा क्वेश्चन कि आपको एक जीरो मिले दूसरा वाला ना मिले और वो इस केस में हो, इस फॉर्म में हो, तो सेकंड वाले को आपको क्या मान लेना है, ध्यान रखना है 3 - √3, ये आप उसे मान लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि पहली एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास ये है और दूसरी वाली क्या है मेरे पास ये है। अब मुझे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से बन जाएगी, कैसे बनेगी देखिएगा, प्लस 3 चेंज इनटू माइनस, ठीक है, और माइनस चेंज इनटू प्लस, सॉरी प्लस चेंज इनटू माइनस, पहला वाला ही आया, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये प्लस चेंज इनटू माइनस एक्स माइनस 3 और माइनस वाले दरअसल कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल रख लेंगे। ऑप्शन आपको क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सेकंड ऑप्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, सी ऑप्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और डी ऑप्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। चारों ऑप्शन सिमिलर है, सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंट है, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ क्या हमारे पास आंसर आने वाला है। सो देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 2 का स्क्वायर 4, ये 3 आएगा तो 12 आ जाएगा मेरे पास, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट
एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यस, कोई डाउट तो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या है? क्वेश्चन नंबर एट में हमारे पास कुछ ऐसा गिवन है, व्युत्क्रम वाले तो हमने कर लिए, व्युत्क्रम वाले तो क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि अब हमें आ गए, मीन्स रेसिप्रोकल, एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट इक्वेशन ये लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एट में हम एक्स स्क्वायर एक इक्वेशन दिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एट पी माइनस फिफ्टीन। यहां पर हम ब्रैकेट ले लेते कि वो सारा कॉन्स्टेंट पार्ट है। उन्होंने बोला है यदि इक्वेशन ये का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, नहीं सॉरी सॉरी, के दोनों मूल समान है, दोनों मूल कैसे हैं सेम है और पी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब फर्स्ट वाला भी आपके पास क्या है अल्फा है और सेकंड वाला भी क्या है अल्फा है, दोनों सेम है, तो पी की वैल्यू फाइंड करो। सो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था, पहले हम दोनों ही फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, ए मेरे पास वन है तो पी ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों अल्फा अल्फा है, क्या आएगा सी अपॉन ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अल्फा और अल्फा क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 8p माइनस 15। आप मुझे यहां से अल्फा की वैल्यू बता देंगे, यस, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा और अल्फा इक्वल में p बाय 2, सो यहां वैल्यू पुट करते हैं p अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये 8p माइनस 15 सेम, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, p स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जो 32, 15 4 जो 60, ठीक है। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, सॉरी इसको फैक्टर कर लेंगे और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। सो ऐसा आपको टेबल पढ़ना है, मेरे पास ऑप्शन दिए, यस ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास 3 और 5, दूसरा ऑप्शन है 2 या 5 है, तीसरा ऑप्शन है 3 या 4 और डी ऑप्शन है 2 या 30। सो ऑप्शन से भी क्लियर हो जाएगा कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो रखने पर मेरे पास इक्वेशन जीरो बन रही है। ऐसी देख लो ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, प्लस करेंगे 32 आएगा, प्लस करने पर 32, डी ऑप्शन 2 और 30 को सम करेंगे 32, 2 और 3 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 60, यानी कि डी ऑप्शन मेरे पास क्या है करेक्ट है। ध्यान रखना है 2 एंड 30 इसके आंसर्स हैं, पी की वैल्यू है। आई होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं 9 क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट है, मीन्स जैसे ही मैंने अभी डिस्कस किया था तो थोड़ा सा आपको मुझे ऐसा फील हुआ जैसे उसमें आपको थोड़ा डाउट रहा होगा, जिसमें एक रूट 3 प्लस 2 रूट 3 दिया था, सेकंड मैंने माइनस में लिया था, उसका मैं आपको एक और अल्टरनेट मेथड बता देता हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक मेरे पास स्क्वायर इक्वेशन है जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका एक गुणांक यानी कि एक जो मूल है वो क्या है मेरे पास 1 माइनस रूट 2 है। मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा केस हो जाए एक मूल आपको दे दे, एक आपको मूल दे दे, दूसरा मुझे फाइंड करना हो तो हम क्या कर लेंगे उसका अपोजिट साइन, मीन्स बोलते हैं कॉन्जुगेट, उसके कॉन्जुगेट को क्या मान लेंगे उसका दूसरा मूल मान लेंगे। अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, ये वाली स्टेप्स आपको क्लियर नहीं हुई होगी, इसके ऑप्शंस में आपको बता देता हूँ क्या ऑप्शंस है। पहला मेरे पास ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऑप्शन बी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और डी ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चारों ऑप्शन सिमिलर है तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं इसका अदर मेथड बता रहा हूँ आप अच्छे से सुनिएगा। अल्फा बीटा मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0, बताया था ये वाला फॉर्मूला यस और नो, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए, तो यहाँ रखेंगे। जब मैं इसका सम करूंगा आप जब खुद सोचिएगा माइनस प्लस कट जाएंगे 1 और 1 2, सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रोडक्ट करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, क्या आने वाला है 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आएगा माइनस 1। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे पास, इसका ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब क्लियर हो गया होगा ये वाला मेथड, फिर भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पार्ट 2 वीडियो में आपके डाउट को जरूर डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे जो कि मेरे अकॉर्डिंग अब तक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में एक इक्वेशन है ax2 - bx + c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, बस खाली यहां प्लस है, माइनस की प्लस की जगह माइनस है। उन्होंने बोला है कि मूलों का हरात्मक माध्य है, हरात्मक माध्य क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, मैं आपको बताता हूँ पहले हरात्मक माध्य क्या होता है। अल्फा और बीटा मेरे पास दो मूल है, बीच में मैं एच मान लेता हूँ हरात्मक माध्य, पहले मैं समांतर माध्य निकाल लेता हूँ क्या होता है, मिड वाले का डबल कर लो, फर्स्ट और थर्ड का सम कर लो, एच इक्वल में ये ए निकालो, ध्यान रखना मैं ये मेरे पास क्या आ गया, ये समांतर माध्य होता है जिसे हम बोलते हैं एरिथमेटिक मीन, फाइंड करना हार्मोनिक मीन, इसका बिल्कुल अपोजिट कर दो, बिल्कुल अपोजिट करते हैं, ये मैंने ए फाइंड किया है, इसे बोलते हैं
अरिथमेटिक मीन। एच कैसे फाइंड होगा, वन अपॉन, यानी कि जो भी मेरे पास मूल होंगे उनको अपोजिट कर दिया, ठीक है। हरात्मक माध्य निकालना है मुझे, सो क्या होने वाला है मेरे पास, इसका हरात्मक माध्य मिड वाले का डबल कर दो, फर्स्ट और थर्ड का सम कर दो, ये तो बताया था मैंने आपको अभी। सॉल्व करेंगे, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है, टू अपॉन एच, और मुझे एच निकालना है, सो रेसिप्रोकल कर लें, एच अपॉन टू अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा डिवाइड वाला टू मल्टीप्लाई में, इट मीन्स मुझे ये चाहिए। सो अल्फा बीटा क्या होता है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आप बताओ, सम ऑफ जीरो, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस पहले से ये प्लस होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए, वैल्यू पुट कर देते हैं, टू सेम, अल्फा इंटू बीटा आया मेरे पास सी अपॉन ए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आया बी अपॉन ए, कुछ कैंसिल है, ए से ए कैंसिल, टू सी अपॉन बी, यस और नो, सारे ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, टू सी अपॉन बी जो कि करेक्ट है, ऑप्शन बी क्या है, टू ए अपॉन बी, ऑप्शन सी है टू बी अपॉन सी, और ऑप्शन डी है टू बी अपॉन ए, सो ऑप्शन में ज्यादा पढ़ने की टेंशन ही नहीं है, ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है, टू सी अपॉन बी, हरात्मक माध्य का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और समांतर माध्य का, नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी, स्पेशल सीरीज भी, सभी कॉन्सेप्ट की वन बाय वन स्पेशल वीडियोज आएंगी, साथ में उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो में कराए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम आपकी TGT एग्जाम्स की हेल्प के लिए छोटा सा पार्ट बन सके, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।